नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबर को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम धामी का राजस्थान दौरा, कोटा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हुए शामिल, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा परिवर्तन है तय। प्रदेश में मिसिंग लोगों के लिए ऑपरेशन इस्माइल, गुमशुदा लोगों को ढूंढने का पुलिस का प्रयास, 26 टीमों का किया गठन, प्रदेश में लापता है करीब 5,000 से ज्यादा लोग। उधम सिंह नगर में ऋण वसूली के नाम पर गुंडागर्दी, वाहन छीनने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, यार्ड में मारा छापा, बड़ी संख्या में वाहन जब्त। उत्तराखंड के मुंडियाकी में स्टील फैक्ट्री में विस्फोट, एक दर्जन से ज्यादा मजदूर हुए घायल, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड में मौसम विभाग का 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, 24 सितंबर तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, अगले कुछ दिन तक पूरे राज्य में रहेगा मानसून सक्रिय। करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कोटा में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन तय है, सभी नेता लगे हुए हैं और केंद्र ने सभी की जिम्मेदारी तय कर रखी है। पायलट से जुड़े सवाल पर कहा कि पायलट ने कहा था कि बीजेपी को प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं, इसलिए बाहर से बुलाए नेता। इस पर धामी ने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित, हम नेता या सीएम बाद में है। कलश लेकर एक श्रद्धा के भाव से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, इस प्रकार का भाव यहाँ की मातृशक्ति में दिखाई दिया। नौजवानों में अपार उत्साह, जोश, अनेकों स्थानों पर रथ को निकलते हुए भी काफी समय लग गया, क्योंकि इतना ज्यादा जोश लोगों के बीच में था। बड़े बुजुर्ग सब अपने घरों से आशीर्वाद दे रहे थे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का संकल्प कर लिया है, परिवर्तन का मन बना लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, अंकित भंडारी हत्याकांड जैसे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कांग्रेस पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला ने अपने बाल का मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने बाल मुंडन कराए हैं। बता दी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास उन्होंने कूच किया, मगर पुलिस प्रशासन ने हाथी बड़कला पुलिस चौकी के पास उन्हें रोक दिया, जहां पुलिस जवानों के साथ नौका झांकी भी हुई। मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस मौके पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला ने अपने बाल का मुंडन कराकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। देखिए, मन बहुत दुखी था, बहुत दिन हो गए थे, ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने धरने प्रदर्शन करने के बाद, इतनी आवाज हम लोगों की सरकार के खिलाफ उठाने के बाद, क्यों ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो हमें लगा कि ये सरकार गूंगी बेरी सरकार है। आज ये श्रद्धांजलि है हमारी सरकार को, महिला स्वाभिमान की श्रद्धांजलि है कि अगर आप लोग हमारी बातें नहीं सुनोगे, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दोगे, महिला पहलवानों के साथ जाओ उसके खिलाफ नहीं बोलोगे, मणिपुर में जो महिलाओं को नग्न अवस्था में आप लोगों ने घुमाया, उससे जो दर्द महिला, हम सब महिलाओं के अंदर भरा हुआ है, उसकी ये शुरुआत है। अगर आप आज भी हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो ये कार्यक्रम हम जिले वाइज चलाने वाले हैं। आज ये मुख्यमंत्री, देखिए, लगातार कांग्रेस पिछले एक साल से आंदोलन कर रही है, कभी युवा कांग्रेस, कभी महिला कांग्रेस, कभी सेवा दल, सभी इसको कर रहे हैं। और आज हमको ये दुख हुआ है, 18 तारीख के बाद हमको ऐसा लगने लगा कि अब कुछ नहीं होगा। हाकम सिंह भी सबूतों के अभाव में छूटा, और मुझे लगता है पुलकित आर्या उसके साथी भी सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। जिस बेशर्मी से सरकार ने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, आग लगवा दी, और दो बार आग लगी, एक बार नहीं, उसका बिस्तर स्विमिंग पूल में डाल दिया, जब सबूत ही नहीं है तो जज महोदय जो हैं, जो
कैसे वो न्याय कर पाएंगे, क्योंकि सबूतों के अभाव में कुछ नहीं हो पाता, और इसीलिए पुलकित कॉन्फिडेंट है और वो वीआईपी का नाम नहीं बता रहा। ये एक संघर्ष है और महिला स्वाभिमान की रक्षा का संघर्ष है, बेटियों की अस्मिता की रक्षा का सवाल है, उत्तराखंडियत की अस्मिता की रक्षा का सवाल है, बेटियों को न्याय मिले, अंकिता को न्याय मिले, उसके लिए ये प्रदर्शन है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन जो बढ़ रहा है निरंतर, उसके खिलाफ ये आवाज। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने के बाद देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर है, तो वहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता जगह जगह खुशी का इजहार कर रही है। इसी के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ काशीपुर में भी बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी और अबीर गुलाल उड़ाया। इस दौरान जमकर थिरकी और बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी। देर शाम काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक में संसद में महिला आरक्षण बिल लाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को मिष्ठान वितरण किया। महिलाओं को भी राजनीति की उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए जिसमें महिलाएं भी प्रतिभाग कर सकी, क्योंकि आज महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। जो भी क्षेत्र है जहां पुरुष काम करते हैं, वहां हर क्षेत्र में आज महिला ने अपना प्रतिभाग कर अपने आप को साबित किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और इस आज के इस फैसले से निश्चित ही मोदी जी ने समाज की, देश की महिलाओं को उस मुख्य धारा से जोड़ा है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए मैं धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का करना चाहती हूं कि महिलाओं को केंद्र व लोक व विधान में विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं मैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल आपको सीधा दिल्ली की तरफ लेकर चलते हैं जहां पर कनाडा मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। Let me just make a couple of other points. I think Sudhi, you had a query about Canada sharing any information. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think it's been very, very, very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a direct, indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. So that is an answer to both sides of it, I think you asked. There was a query on... I'll come back. There was a query regarding from, I think... मनीष झा, आपका प्रश्न था सिक्योरिटी पे। देखिए सिक्योरिटी के मामले पे मैं, आपने पूछा था हमारे, हाँ देखिए हमने इसीलिए एडवाइजरी इशू की है, और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए। एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदूज अलग से, नहीं एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए, हम इस तरह से नहीं देखते। इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनके सबके लिए एडवाइजरी है, एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका। Sahil, your query was on whether we are sending security. No, look, we have always believed that it is the host government's responsibility to provide security. If there is some places we have our own security posture also, but look, I don't want to discuss security measures in public. That's not an appropriate situation. If I could come back to what Manish, you asked about. As I said, we have ongoing conversations with friends and partners. We have made our position quite clear to them on the lines that I've outlined just now. That's why I thought I'll outline our position first, that no, there has been no specific information, and we're willing to look at that if provided. On the issue of
a threat, Vinita, you mentioned, for various things. Look, I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat. But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism. And not just, you know, पिथौरागढ़ आगमन पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि मोस्ट मानो मेले महोत्सव में प्रतिभाग किया, जहां पर पारंपरिक रूप से स्थानीय महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने मोस्ट मानो मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया और देव डोली के दर्शन भी किए। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने पिथौरागढ़ के पारंपरिक वेशभूषा को धारण कर सभी का मन मोहा। बता दें कि मोस्टा देवता को इंद्र देवता का पुत्र माना जाता है, जो मूल रूप से बारिश के देवता है। किंवदंती है कि मोस्टा देवता को गढ़वाल से नेपाल के लोग नेपाल में मंदिर स्थापना के लिए लेकर जा रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए नेपाल के लोग मोस्टा मानो स्थान पर रुके। अगले दिन जब मोस्टा देवता को नेपाल ले जाने के लिए मूर्ति को उठाया गया तो लोग मूर्ति को नहीं उठा पाए। मजबूर होकर उन लोगों ने मोस्टा देवता के मंदिर की स्थापना यहीं पर कर दी। आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे मोस्टा मानो मेला में प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से मोस्टा मानो देवता के प्रति हम सब की बड़ी आस्था है और ये आस्था को अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से सब लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं और मोस्टा मानो देवता को प्रणाम करते हुए अपने जीवन के लिए ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो हम मानते ना इंद्रदेव का पुत्र मानते हैं मोस्टा देवता को, तो इसको हम बारिश का, तो मूल रूप से बारिश का देवता है। कभी भी जब सूखा पड़ जाता है ये होता है तो छपट्टी शोर का जो हम इसको इष्ट देवता मानते हैं, तो हर तरफ से ये यथाशक्ति दक्षिणा होगी और हवन सामग्री होगी, जैसे तिल है, जौ है, घी है, ये सब यहाँ पर मोस्ट छपट्टी शोर का हवन होता है। इस मेले के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, ऐसे ही इस देवता को हमारा जो पिथौरागढ़ जनपद है इसे मुखिया मानता है। अगर हमारे घर में केले काज हमरन और केले प्रोग्राम छ तो सपन है पहनली हम अपन ये मोस्ट से याद कर लो। इष्टों के भी इष्ट महा इष्ट हैं ये हमारे इस क्षेत्र के। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में आयुर्ज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ले जा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुष को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना है। आयुष विभाग जल्द ही इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम के आयुर्वेद इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि अब जरूरत है इस बात की भी कि बच्चों को भी जड़ी बूटी का इतिहास पढ़ाने का काम किया जाए। वहीं राज्यपाल ने कहा कि ये क्षण बहुत ही अलग है जिसमें जड़ी बूटियों का ज्ञान उनकी खोज के क्षेत्र में भी अब सरकार और विभाग आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में जो अमृत समाधान निकलेगा उससे मानवता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इसके अंदर में पूरे भारत से जो आयुर्ज्ञान के जो विद्वान हैं उनको आमंत्रित किया है कि इकट्ठे मिलकर हम आयुर्वेद के ऊपर में चिंतन और मंथन करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जो अमृत निकलेगा, समाधान निकलेगा, और जो हमारे संकल्प होंगे वो हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया कोविड महामारी के बाद में आयुर्वेद, योगा और मरम की गहराई को समझ गई है। आज सचमुच अंदर में रियलाइजेशन होता है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी धरोहर, हमारे जड़ी बूटियाँ और किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये ज्ञान दिया है।
ये हर एक भारतीय, हर एक उत्तराखंडी की जिम्मेवारी है कि हम इस ज्ञान और विज्ञान, जो आयुर्वेदिक योगा और मरम है, इसको पूरी दुनिया के साथ में किस प्रकार से साझा करें। उत्तराखंड जो है वह आयुष भूमि है। यहाँ पर आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों ने तप किया, उस आयुर्ज्ञान को पूरे विश्व में पहुँचाने के लिए बड़ा कार्य किया। उत्तराखंड की भूमि जड़ी बूटियों की भूमि है। यहाँ विविध तरह की ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। यदि इस भूमि से आयुर्ज्ञान की बात होती है, उसको लेकर के चर्चा होती है, तो ये विश्व के लिए एक कल्याणकारी, लाभकारी प्रयास होगा। और आज माननीय गवर्नर साहब ने उसका उद्घाटन किया, आयुर्ज्ञान इस एक दिवसीय कार्यशाला का। उत्तराखंड राज्य गठन के 23 सालों में उत्तराखंड के अलग अलग थानों में अब तक 37,000 लोगों की गुमशुदगी लिखवाई गई है। इनमें से करीब 10,500 केवल नाबालिग बच्चे और 5,500 लड़के और करीब 4,900 बालिकाएं हैं। इन सभी मामलों में पुलिस अभी तक 32,000 लोगों की ही तलाश कर पाई है। आज भी करीब 5,000 से ज्यादा लोग प्रदेश में मिसिंग चल रहे हैं, जिनकी गुमशुदगी की थानों में फाइल धूल फांक रही है। बता दें कि इनमें करीब 500 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी को ढूंढने के लिए एक बार फिर डीजीपी अशोक कुमार ने ऑपरेशन स्माइल चलाया है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में सभी गुमशुदा लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में गुमशुदाओं को तलाश करने के लिए देहरादून, हरिद्वार, उद्यम सिंह नगर, नैनीताल में 4 टीम और अन्य जिलों के साथ 26 टीमों का गठन किया गया है। जब मिसिंग रिपोर्ट आती है वो डिपेंड करता है कि वो अपनी मर्जी से गया है, किसी ने अपहरण तो नहीं किया है, किसी ने बहका करके तो नहीं ले गया। जो अपनी मर्जी से भी गए और शादी के लिए गए और वो नाबालिग थे तो भी मुकदमा दर्ज होता है। आप समझ रहे हैं, जो इसमें से क्राइम की श्रेणी में आता है तो उसमें FIR होती है। जो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है तो वो खाली गुमशुदगी रहती है, ठीक है। परंतु हम जो है हर 100% केसेस को ट्रैक करते हैं और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करते हैं। बद्रीनाथ से शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की शौर्य यात्रा का मां गंगा के उद्गम स्थल उत्तरकाशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि बद्रीनाथ से चली यह यात्रा उत्तराखंड के सभी शहरों को होकर जाएगी, साथ ही सभी पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर हरिद्वार पहुंचेगी, जहां 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा का स्वागत करेंगे और वहां से ये पवित्र जल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में चल रहे अनुष्ठान में ये जल चढ़ाया जाएगा। की सूर्य जागरण यात्रा उत्तरकाशी में आई है। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में धर्म के जागरण के लिए ज्ञान दिया था। वर्तमान परिस्थितियों के लिए धर्म कैसे स्थापित होगा, असुरीय शक्तियों का नाश कैसे होगा, उसी उद्देश्य के नाते ये यात्रा बद्रीनाथ के पवित्र धाम से चली है और उत्तराखंड के सभी जिलों में यह यात्रा जाने वाली है। इसमें 20 बड़ी सभाएं होंगी, 180 छोटी सभाएं और स्वागत होने वाले हैं। इस यात्रा में युवाओं का सूर्य का जागरण, उत्तराखंड के सामने और देश के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, वो वामपंथी विचारधारा के रूप में, वो आतंकवाद के रूप में, वो जनसंख्या अनियंत्रण के रूप में, वो जो है छुआछूत के रूप में, वो लव जिहाद के रूप में, वो गो हत्या के रूप में, वो व्यापार जिहाद के रूप में, वो लैंड जिहाद के रूप में, जितनी भी समस्याएं हैं वो समाज को जागरण करने के लिए ये यात्रा निकली है। चंद्र प्रसाद बजरंग दल का है। उत्तराखंड में हिंदू सनातन धर्म को जागृत करने के लिए और युवा समाज को नशा मुक्त करने के लिए और युवा समाज को अपनी भारतीय संस्कृति गौ गंगा गीता गायत्री से जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद का अभियान है। जाति पाति को छोड़कर हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र को हमने बनाना है। इसी संकल्प के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे उत्तराखंड में यात्रा निकालते हैं। उत्तरकाशी आगमन पर हम प्रदेश संगठन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन दिनों लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए डीएम ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जिसे देखते हुए उन्होंने भारी वाहनों में ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रथम चरण में लालकुआ से शुरुआत कर दी है। इस मिशन को अमली जाम पहनाए जाने के लिए ARTO इंटरसेप्टर और टास्क फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही मालवाहक वाहनों के
ओवर हाइट पाए जाने पर भी कार्यवाही की जा रही है। आरटीओ नंद किशोर ने बताया कि लालकुआ में 123 वाहनों के चालान किए गए हैं, जिनमें ओवरलोडिंग पर सख्त कार्यवाही करते हुए 14 वाहनों के चालान ओवरलोड में और 17 वाहनों के चालान ओवर हाइट में किए गए हैं। इनके अतिरिक्त बिना परमिट के 6, बिना फिटनेस के 3, बिना बीमा के 4, बिना टैक्स के 27, भारी वाहनों में सवारी बिठाने में 4 सहित अन्य मामलों में 118 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई है। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अभी लालकुआ में ओवरलोडिंग और ओवर हाइट के विरुद्ध प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया था, जिनमें उनके द्वारा 14 वाहनों के ओवरलोड में चलान किए गए और 17 वाहनों के ओवर हाइट में चलान किए गए। इसके अलावा टोटल 123 वाहनों के चलान इसमें किए गए, जो अलग अलग अभियोगों में थे, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना टैक्स और भी कई अभियोगों में प्रवर्तन कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तरकाशी में ऊर्जा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऊर्जा विभाग ने हरे पेड़ों पर ही बिजली के मीटर लगा दिया, जो कि खतरे को न्योता दे रहे हैं। हरे पेड़ों पर लगे ये मीटर जहां खतरे की घंटी है, वहीं मीटर के आसपास नंगे तार भी लटक रहे हैं, जिनसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल मामला गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगोरी के पास का है, जहाँ गंभीर बात यह है कि कनेक्शन किसका है, इसकी जानकारी तक विभाग को नहीं है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बिजली के पोल होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से बिजली के मीटर को हरे पेड़ों पर लगाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जनपद मुख्यालय में कई जगहों पर विभाग ने बिजली के खंभे खड़े नहीं किए और विभाग पेड़ों पर बिना मीटर के ही पेड़ों पर ये सब टांग दिए गए हैं। में लाया गया है मीटर कि गंगोरी में विद्युत विभाग के कुछ मीटर हरे पेड़ों पर लगे हुए हैं, उसमें वायर वगैरह भी दिख रही है, तो इस संबंध में मैं जो सिक्योरिटी इंजीनियर हैं उनसे बात करूंगा कि ये क्या प्रकरण है और उसको हटाने के लिए उसको निर्देश दिया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 700 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले में श्रीनगर बेस्ड चिकित्सालय से आए विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें हड्डी स्त्री रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, बच्चों के रोग विशेषज्ञ आदि चिकित्सक पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में स्वास्थ्य शिविरों में अधिक से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए लोगों का कहना है कि विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में आयुष्मान भवा मेला है, आयुष्मान भवा मेला जिसको आयोजित किया गया है यहाँ, और जिसमें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से टीम आई हुई है, जिसमें हड्डी के विशेषज्ञ हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जरी के रक्षा में विशेषज्ञ और बच्चों के रक्षा में और महिला और जो बाल महिला जो प्रसूति विशेषज्ञ होते हैं वो भी आए हुए हैं। तो इसमें करीब हमारे यहाँ आज 700 मरीज देखने की संभावनाएं हैं, जो पूरे क्षेत्र से मरीज यहाँ आएंगे, और सारी जांचें मुफ्त हैं और सारी दवाइयाँ भी मुफ्त हैं, और इस तरह के कैंप आगे भी भविष्य में लगते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।